हेलो एवरीबॉडी, आज मैं जो कंसेप्ट आपके पास लेके आया हूँ, इट इज फ्रॉम पोस्ट मॉडर्न फैक्टर। और जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इट एमिट्स वेवलेंथ। दे वांट टू आस्क द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ। लेट अस टेक अ क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एग्जामिनेशन। दिस इज अ नीट क्वेश्चन एंड आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो फॉर्मूला पहले अच्छे से याद रखिए। फॉर्मूला इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। फॉर्मूला वही याद रखिए जो मैं कह रहा हूं आपको, 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। इन दिस फॉर्मूला p स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन ऑर्बिट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया है लायमन तो p की वैल्यू होगी 1, अगर क्वेश्चन में वर्ड दिया है बाल्मर तो p की वैल्यू होगी 2, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है पैशन तो p की वैल्यू होगी 3। लेट अस टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ राइट बिटवीन फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर दैट इज लैम्डा 1 एंड सेकंड लाइन ऑफ लैम्डा। मेरा फॉर्मूला लगाइए, पहले में लैम्डा 1 में 1 अपॉन लैम्डा 1 इज को r इनटू, अब इसमें वर्ड है बाल्मर तो p की वैल्यू होगी 2 और ये फर्स्ट लाइन है तो 2 के बाद आएगा 3, सो 1 अपॉन 3 स्क्वायर ये आ जाएगा 5r/36। लैम्डा 2, लैम्डा 2 में वर्ड क्या है आपके पास, लैम्डा 2 में आपके पास वर्ड है लैमन, लैमन है मतलब पी की वैल्यू होगी 1 और ये सेकंड लाइन है तो 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 तो n की वैल्यू होगी 3। सॉल्व किया तो अपने को मिल गया 1 अपॉन लैम्डा 2 8r/9, डिवाइड किया सो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 विल बी 32.5। इट कैन बी इजीली सॉल्व, जस्ट रिमेंबर द वर्ड पी स्टैंड फॉर डेस्टिनेशन ऑर्बिट एंड क्वेश्चन में अगर वर्ड लैमन है तो पी की जगह 1 लिखिए, बाल्मर है तो पी की जगह 2 लिखिए, पैशन है तो पीली जगह 3 लिखिए एंड सो एंड सो फॉर एंड यू कैन फाइंड आउट। कभी कभी एक वेलिंग दी रहेगी और आपसे दूसरी वेलिंग को पूछेगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, और इस टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी चैप्टर में डिफिकल्टी है सो प्लीज राइट टू अस, वी आर ईगरली वेटिंग टू हेल्प यू। थैंक यू।